इस बीच स्टेट हैंगर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला यहां से निकल रहा है। आपको बता दें कि जयपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच गए हैं। उनका काफिला स्टेट हैंगर से अब रवाना हो रहा है। मीडिया से क्या मुखातिब होते हैं ये भी देखना होगा। दरअसल इससे पहले जब जयपुर से वो जैसलमेर गए थे तब वहां मीडिया से रूबरू हुए थे, लेकिन आज ये भी मुमकिन बताया जा रहा है कि यहां भी मीडिया से रूबरू होंगे। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हम दे चुके हैं, दे रहे हैं। दुख इस बात का है कि रक्षाबंधन के दिन भी हमारे माननीय विधायकों को घर जाने से वंचित होना पड़ा। इस बात का मुझे दुख है और ये क्यों परिस्थिति बनी आप सबको मालूम है। हमारी सबकी प्रायोरिटी है देश में लोकतंत्र मजबूत बने, हम सबके देशवासियों की हो, प्रदेशवासियों की हो, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी है और डेमोक्रेसी बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता पूरे खेल को देख रही है। जिस रूप में सरकार को टॉपर करने का प्रयास किया गया, ये तीसरा अटेम्प्ट था। ये दो अटेम्प्ट पहले हो चुके थे और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश का सबको मालूम है, राजस्थान के अंदर और बड़े रूप में की तैयारी थी। इतना बड़ा गैप है तब भी बेशर्मी से कोई शर्म ही नहीं आ रही थी कि कहाँ तो 73 और कहाँ 122 हमारे पास थे। तब भी गेम खेला गया धनबल के आधार पर, वो मैं कई बार कह चुका हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग बड़े रूप की गई, अभी भी की जा रही, अभी भी डलीवा आते हैं और क्या क्या नहीं कहा जा रहा सब जानकारी आता वहाँ पर हमारे पास। तो ये खेल देख रहा पूरा मुल्क देख रहा है। और अल्टीमेटली जो भारत सरकार में बैठे हुए नेता हैं जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूँ, मैं नहीं समझता कि जनता की नज़र से कोई बचेगा। अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई हमारे साथ में है, जीत असली सच्चाई की होगी ये मैं कह सकता हूँ। सर, तीन मंत्रियों के नाम लिए वो मौन है, वो खंडन भी नहीं कर रहे, खुद को ही मान रहे आरोपी का, मैं किसी तरह की कार्रवाई कर रहे हो। और भी कई षड्यंत्र में कई शामिल है, कई लोग शामिल है, इसलिए नाम लिए मौन रखना आप समझ सकते हो क्यों रखते मौन। और जिस रूप में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री जी ने जो गेम प्ले किया और एम्बिशियस बन करके, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। वो तो पूरे मैदान में कूद पड़े, सारी राजस्थान की परंपराओं को और यहाँ की जो मिजाज है लोगों का, पॉलिटिशियन का, उसको भी भूल गए। क्योंकि नए नए एमपी बन गए, फिर जल्दी चांस मिल गया मंत्री बनने का केंद्र में, तो जल्दबाजी होगी उनको। इसीलिए मैंने कहा कि टेक ओवर के पहले वो जरा सा खुद ही हो गए। अब चाहे उनकी पार्टी कितनी सोच ले उनके बारे में, जनता कभी उनके नाम को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति को पूरी चुनी सरकार को टॉपल करने के गेम में शामिल हो, जो खुद इसके में फंसा हुआ हो, वो कौन सी सोसाइटी, नाम भूल जाता हूँ बार बार, संजीवनी सोसाइटी में फंसा हुआ हो, पूरा खेल किस प्रकार से खेला गया। दुख इस बात का है कि छापा तो उनके यहाँ पड़ना चाहिए, सीबीआई का भी या आपके ईडी का भी पड़ रहा उन लोगों के ऊपर जिनके नाम, जिनके संबंध, जिनके रिश्ते हम लोगों से जुड़े हुए हैं, बेवजह पड़ रहे हैं, कोई कारण भी नहीं है। इस प्रकार की जो हालात देश में बन चुके हैं, ईडी को लेके, सीबीआई को लेके, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को लेके, बहुत दुखद और बहुत डरावना है ये। सब डरे हुए लोग हैं, टेलीफोन पर बात करने चमकते हैं और भाई फेक टाइम पर आ जाइए आप, पूरा देश ये कर रहा है, तो कैसे कब तक बर्दाश्त लोग करेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इनको समझना पड़ेगा, खेल को खेलना बंद करो, जो चुनी सरकार को चलने दो, केंद्र सरकार पूरा सहयोग करे, क्योंकि कोविड की लड़ाई लड़ी है असली में किसी ने, तो प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार ने कोऑर्डिनेट किया है, हमने उसको अप्रिशिएट किया, परंतु असली लड़ाई लड़ी है राज्यों की सरकार ने। सीधा रास्ता उनसे पड़ता पब्लिक का, जीवन बचाने का, आजीविका बचाने का काम किया है तो राज्य सरकार ने किया है, आम जनता ने किया है, सबके सहयोग से राजस्थान में हुआ है।
और फिर ऊपर से उस वक्त में भी जब कोरोना अभी तक गया नहीं है बल्कि फैल रहा है, उस दरमियान में अगर आप ये हथकंडे अपनाओ टॉपर करने का, उनको जनता कैसे माफ कर सकती है, मेरा मानना है। सर बीजेपी के जाल में जो ट्रैप भटक के गए विधायक, अब उनके थोड़े बयान आ रहे हैं कि हम विधानसभा में आएंगे, कहीं आत्मग्लानी महसूस हो रही है, रणनीति बदल रहे हैं, पक्ष में वोट देने जैसी बात आ रही है। देखिए तो वो जाने उनका स्टेटमेंट आया, वो जाने उनका जमीर जाने, मैं तो कह चुका हूँ उनके बारे में कि ये फैसले हम तो करते नहीं है, उनका किसी संपर्क में मुझे मालूम नहीं है। हाईकमांड जो फैसला करता है, हम जैसे अनुशासित सिपाही को तो वो मंजूर होता है, ये बात है। सर उनके क्षेत्र में खूब कॉलेजें खुली है, खूब विकास कार्य हुए हैं, खूब कॉलेजें खुली है, इसी सेशन में आपने कॉलेज खोलना है, विकास करना है। अगर वहाँ के MLA ने मान लीजिए रिवोल्ट किया है, इसको आप असंतुष्ट गतिविधि नहीं कह सकते, उसको कहना ये रिवोल्ट किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके क्षेत्रों की जनता की भले के काम करूं। जनता ने जो कसूर किया, जनता ने उनको जीता के भेजा था विधानसभा के अंदर, अगर उन्होंने मान लीजिए ना इत्तेफाकी रखी मुझसे, उनका बदला जो है, या कहना चाहिए कि उनके कारण से जनता सफर नहीं करनी चाहिए, मेरा सोच हमेशा रहा है। कोविड को लेकर प्रधानमंत्री को दोबारा खत लिखा है कि मुख्यमंत्रियों से दोबारा संवाद किया जाए, इसके बारे में ये कहना है कि दो दिन का सम्मेलन करे, वापस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, क्योंकि जब एक दिन करते हैं तो 8-10 मुख्यमंत्री बोल पाते हैं, और दो दिन करते हैं तो फिर सब मुख्यमंत्री बोल पाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक सम्मेलन होना चाहिए। सर राजस्थान की जनता भी चाहती है कि चुनी हुई सरकार को गिराना गलत है, आप कहते हो मैं जाता हूं तो मुझे विक्ट्री के चिन्ह दिखाते हैं, बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, बीजेपी के भी लोग कहते हैं सरकार को डिस्टर्ब करना गलत है। आप ठीक कह रहे हैं कि जनता के घर घर के अंदर आक्रोश है, वो देख रहे हैं, आक्रोश इतना भयंकर है ये कल्पना नहीं कर सकते, इनके प्रति जो प्यार मोहब्बत भाईचारा और आदर भाव होना चाहिए थे विधायकों के प्रति, मैं समझता हूँ कि उसमें कमी आएगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भड़काने का काम करूँ जनता को, पर मैं कमी आएगी क्योंकि इंसान जो होता है वो देखता है कि हमारे विधायकों ने इस प्रकार का ट्रीटमेंट क्यों किया, जबकि उन सबके वहाँ काम ज़्यादा हो रहे थे, जो विधायक गए हैं उनकी शिकायत कोई थी नहीं कामों से, अब क्योंकि बाड़ा बंदे बैठे हुए वहां पर, इसलिए जानपुर के कह रहे हमारे काम नहीं हो रहे थे, हम असंतुष्ट थे, आज तक कोई शिकायत उन्होंने करी नहीं, बल्कि तारीफें करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तारीफ करी, मिलते थे तो तारीफ करते थे, कोई उनकी शिकायत नहीं थी, पर अब शिकायतें पैदा करने का प्रयास करते हैं। जनता मैं समझता हूँ कि सब देख रही है, और इसीलिए मैंने कहा हम जब निकलते हैं तो थड़ी पर दुकान पर चौराहे पर खड़ी जनता विक्ट्री के साइन करती है, हाथ वेव करती, क्यों कर रही है, जनता समझ रही हो क्या राजस्थान के अंदर, एक महीने ज्यादा समय हो गया है, इसलिए आज जब बसें जाती है या कारों में जाते हैं तो लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वास्तव में तमाशा बीजेपी ने बहुत भयंकर किया है, अनैतिक किया है, चुनी सरकार को टॉपल करने का काम किया है, और जनता यहाँ बीजेपी को माफ भी नहीं करेगी। फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटेम्प्ट किया गया, सरकार को गिराने की साजिश रची गई, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है, जो कुछ किया गया कर्नाटक में मध्य प्रदेश में ऐसा राजस्थान में नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से जनता माफ नहीं करेगी बीजेपी को, आखिरकार सत्य की ही जीत होगी, राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा कि राजस्थान में बीजेपी की साजिश नाकाम होगी, सभी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के काम, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऐसे में साजिश करने वालों के खिलाफ जनता में आक्रोश है, नाराजगी है, ईडी सीबीआई का दुर्भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी वजह से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी जो विधायक हैं वो अपने अपने घर नहीं जा पाए, और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको सभी बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब रक्षाबंधन का पर्व है तब भी
ये विधायक यहीं पर मौजूद हैं क्योंकि स्थितियों को आप समझ रहे हैं। ये साजिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, तीसरी बार साजिश की गई है सरकार को गिराने के लिए, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ चुकी है और हमारी प्राथमिकता यही है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज कई बातों का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, उन्होंने बताया कि तीसरा अटेम्प्ट किया गया, सरकार को गिराने की साजिश की गई और क्योंकि पर्व आज है बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों की मजबूरी है कि वो अंदर ही होटल के मौजूद हैं। बिल्कुल दिव्या, सीएम का ये कहना था कि जो विधायक आज असंतुष्ट हैं और जो कि मानेसर बाड़ेबंदी में हैं, उन विधायकों ने जो विभिन्न मीटिंगें हुई, वीसीज हुई, उनमें बाकायदा सरकार के कामों की तारीफ किए और सरकार ने बिना भेदभाव के उनके जो क्षेत्र है वहाँ पे विकास कार्य कराए हैं, क्योंकि भले ही वो असंतुष्ट हो लेकिन सरकार की ओर से जो जनता है उससे किसी तरह का बदला नहीं लिया जाता, जनता के प्रदेश की सभी जनता समान रूप में देखा जाता है और वहाँ पर विकास कार्य इस तरह से कराए गए हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट किया गया है भाजपा की ओर से या केंद्र सरकार के जिन मंत्रियों पर अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर उनका कहना है कि जो जनता, ऐसा नहीं हो कि जनता कभी जो है सड़क पर आ जाए और इस तरह की जो है चीज़ों का यहाँ पे सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से सरकार को टोपल करने का प्रयास हो रहा है, ये तीसरी बार है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा हो चुका है और अब राजस्थान में तीसरी बार इस तरह का जो है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनके मंसूबे कभी खत्म नहीं होंगे। उनका ये भी कहना था कि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं। साफ तौर से कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।